मिडिल खोज बॉल सही पोजीशन रे पासे बनाता एक मौका भी दरे करा मैन क्या नोड है डी बॉक्स में थोड़ा गेंद बाहर रहे जबरदस्त नोड है रॉन्ग टैकल हुई करा जेफर खिलाड़ी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल आज हम निकलने वाले हैं इटहरी गुड्डा के और भाई धूप भी बहुत है, तो भाई यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ अभी घर से निकलने वाले हैं, तो अभी मेरा गाड़ी सब रेडी है और पूरा सज धज के पूरा जा रहे हैं। और कल है मैच, तो फिलहाल आज मैं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मेहमान भी है, तो वहीं पर रहेंगे। और आज तो भाई धूप भी पूरा कड़क है, तो देखते हैं इस धूप में सफ़र कैसे करते हैं, पूरा लॉन्ग डिस्टेंस है। और पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे देखते हैं। अब फिलहाल यहां से जाएंगे जोंदा के पास, बोले तो बरहरवा, और वहां पे उसको भी पिकअप करते जाएंगे क्योंकि हम दोनों जाने वाले हैं साथ में। और भाई बस वेट कीजिए, पहुँच जाएँगे और फिर वहाँ का मेहमान घर घुसेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं देखते हैं। तो वीडियो बने रहिए, मज़ा लगेगा, ज़रूर मज़ा लगेगा क्योंकि भाई जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में, जा रहे हैं पूरा खेलने के लिए, तो मज़ा तो लगेगा ही। और भाई मेरा बाल कलर कर लिया हल्के में, बोले तो कैसे लग रहा हूँ, शायद घोचू लग रहा हूँ, पूरा घोचू लग रहा हूँ या स्मार्ट लग रहा हूँ मुझे नहीं पता। भाई कमेंट कर दीजिए अगर स्मार्ट लग रहा, तो भाई दबा के लाइक कर दीजिएगा। इस साइड में मैं बाल कलर कर चुका हूँ, पूरा नहीं हल्के में, तो आप लोग कीजिए या नहीं कीजिए हमको नहीं पता, बस हमको स्टाइल करने का शौक है। तो मैंने कलर कर लिया, तो मैं कैसे दिखता हूँ मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, धूप भी भयानक है। तो भाई चलो बहुत बात कर लिया, तो अभी जाते हैं मिलने के लिए भैया के साथ, इसके बाद सीधा रवाना हो जाएंगे उधर। तो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे, बोले तो भैया लोग का घर, और अभी जाएंगे उसको उठाएंगे, शायद सोया होगा, और उसको उठा के लेके जाएंगे। और अभी नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वैसे अभी घर घुसे जस्ट अभी, और वहाँ उधर में रूम है उसका, तो वहाँ पे घुसेंगे और उसको देखेंगे क्या करता है। अगर सोया हुआ है तो उसको जगाएँगे और तैयार होने के लिए बोलते हैं। तो चलो भाई, किधर किधर घुसना पड़ेगा हमको समझ, सब कुछ भूल गए, किधर में है वो पता नहीं। भाई साहब पूरा सोया हुआ है निकल गए और निकलने वाले हैं। यहाँ भैया जान ड्राइव करेंगे और हम पीछे में बैठेंगे, और अभी सीधा पहुँच जाएंगे इटहरी, बोले तो बुआ रिजोर्ट, और वहाँ का सीन दिखाएंगे, मतलब थोड़ा देर के बाद पहुँचेंगे। तो अभी तो लेट होगा, थोड़ा जाना पड़ेगा ना लॉन्ग ड्राइव में, तो मिलेंगे थोड़ा देर के बाद। अच्छा, अरे यार चश्मा, कोई बात नहीं, धूप तो लगेगा। ले हम चश्मा भी पहन ले, अभी बैठेंगे अब पूरा धूम थ्री के जैसा जाएंगे। तो मतलब फुल स्पीड में जा रहे हैं, अभी रोड में है। अरे पहुंच गए, बोले तो मेला टहरी घुसने वाला है, जहाँ पे मेला हो रहा है वहीं पे घुसने वाला है। अच्छा तो अभी पहुंच गए, अभी थोड़ा देर के बाद मेला घुसेंगे, और मेहमान घर तरफ तो जाके आ गए, तो जल्दी जल्दी में थे, तो भाई क्या ही बोले।
तो फिलहाल अभी घुसने वाले हैं मेला के अंदर और क्या सीन होता है देखते हैं, कितना भीड़ है। हम कभी नहीं आए हैं, पहली बार आ रहे हैं। वाह क्या दिख रहा है गुरु, थोड़ा भीड़ लग रहा है गुरु, मेला मजा आ गया यार। गुड्डा तरफ का मेला देखने मजा आ जाता है भाई। हम लोग के तरफ का तो इतना खास नहीं रहता है, लेकिन गुड्डा तरफ का तो मानना पड़ेगा भाई, कतई जहर देखने लायक है। अभी घुस रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। इधर गाड़ी ले जाने देगा कि नहीं ले जाने देगा पता नहीं, वहाँ तो बंद है पूरा, तो भाई गाड़ी नहीं जाएगा लगता। मेला की तरफ घुसने वाले हैं, पार्किंग कर दिए हैं और जौंदा और रही सीन पे मेला घुसने का जगह। अरे बाप रे, गुफ्त की नहीं यार बुरी। यहाँ देवघर की टीम के लिए एक खतरा एक बार फिर से पनप रही है और ये कॉर्नर की लेने के लिए आज के दिन का संभवतः यह 90 कॉर्नर होगा, 90 कॉर्नर किक लेने के लिए एफसी लेवल पर क्या कीजिए, देखना है कॉर्नर किक में फुल दूर में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं। एक अच्छा चांस बना है और शॉट लगाने के लिए रफाइल सोरेन जैसे स्टार खिलाड़ी अपने अनुभव को छोड़ने की कोशिश करेंगे। मैन टू मैन मार दिया है, अच्छा शॉट हो सकता है, शॉट तो लगाया जरूर, बाबूलाल का हेडर सेकंड पोस्ट की जो टॉप कॉर्नर में खेल जा रही थी, लेकिन गेंद थोड़ा सा गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई, खतरा चलता था देवघर के ऊपर से। अच्छा मोमेंटम बन गया था जिस तरह से, यहाँ देवघर के ऊपर दूसरे गोल का जो खतरा था फिलहाल टल गया है और फिलहाल यहाँ उतर तक कुटी के साथ अच्छा पास बनाया जरूर, लेकिन बाबूलाल को पहले ही पता था थोड़ा सा भी अगर आगे निकल जाएंगे तो ऑफसाइड करा दे जाएंगे। बेहतरीन गति में सभी युवा मैच है, जर्सी नंबर 10 सौरव का खिलाड़ी फूर्ति ले खिलाड़ी के नाम मिडिल कोच बॉल सही पोजीशन पर पास बना था, एक मौका भी तरह करा मैन क्या नोड है डी बॉक्स में थोड़ा गेंद बाहर रहे, जबरदस्त नोड है, रॉन्ग टैकल हुई करा देवघर खिलाड़ी उल्टो का दिया होगा इसके मौका हुई लड़िया खिलाड़ियों ने लाल पट्टिया विरोध रहे अंदर ने फॉल मांग हुई था और बगैर संभव डेंजर फॉल रहे डायरेक्ट पेनल्टी दिया हो संभव दादा है क्या। इसी बीच में रेफरी महोदय वन प्लेयर चेंज का यहां पर इशारा होता हुआ रेफरी महोदय ध्यान देंगे, एक खिलाड़ी यहां सब्स्टिट्यूट खेल दे और जर्सी नंबर 10 पहने हुए खिलाड़ी देवघर की नवा चांस सोनाल कला उठते चीन का नवा आउट एरिया फायदा कोई उठा दा सुबह नियल बाबू पेनल्टी एरिया रहे कोई लगभग बताबे उका दो 5-6 कदम संगी खोज जी रणनीति तहना नोले देवघर टीम जतो होड़ा कोयो जतो होड़ा विश्वास मिटे उम्मीद सदा पूरब नकारिया गोल पोस्ट रहे ची हुई आमेंसे शॉट लगी फिलहाल रेफरी ऐसा हुई ना आर नोने चिन के ना शॉट लगा लता लता तेरी मौज सही पोजीशन रे शॉट पार्टी मौज ता है के ना बैंक का अंग है सही ढंग पे हेडिंग के पे अगर बॉल नेट रे चलाव लन खा सुनहरा चांस ता है के ना आर रेडी मौज नोने बाल बाल को बचाओ ना नोने एफ सीलल पटिया इस मैच में वापसी करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए थे बड़ा ही जोश कर दोनों टीम ने खेला है और मैंने पहले ही कहा जब आप लाखों का मैच खिलवाते हैं तो हमेशा कोशिश रहता है कि खिलाड़ी को पर्याप्त समय मिले और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर पहले इससे पहले देख ले और यहां पर बॉटम ऑफ द पोस्ट जिस तरह से वहां शॉट लगाया और इस तरह से यहां पे पहुंच गए हिटारी। और भाई हम लोग का पहला टूर्नामेंट हुआ मतलब पहला राउंड मैच हुआ तो उसमें जीत चुके हैं अभी और दो राउंड बचा है तो उस मैच को खेलेंगे, इसके बाद क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी मैच का एंजॉय ले रहे हैं और यहाँ पे इतना धूप दे रही है मतलब छाया में घुसना पड़ गया हमको और यहीं पे अंदर में है और स्टेज सब है इधर दिखाएंगे थोड़ा देर के बाद, अभी मैच चल रहा है गुंडा गुंडा के बीच मैच चल रहा है।